A very warm welcome to all my students. So today we are going to discuss about vaccines. Okay, so vaccines kya hote hain aur vaccines kis tarike se function karte hain aur kaun kaun se types ke vaccines rehte hain. To sabse pehle main vaccines ke bare mein aapko bata dun. To vaccine ek biological preparation hai jo hamare immunity ko kya karti hai, increase karti hai ya hamare immunity ko taiyar karti hai ya improve karti hai ek particular disease ke liye. Okay, to mainly jo vaccine hai isme वो एजेंट्स रहते हैं जो हमारे डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म की तरह रिजेंबल करते हैं. ओके, और मेनली उस एजेंट को हम किस तरीके से बनाते हैं, या तो हम उसको वीक कर देते हैं या उसको हम किल कर देते हैं. ठीक है, एक्चुअली जो एजेंट है वो माइक्रोब ही होता है जो हमारा एक डिजीज कॉज करता है. ओके, बट उसको हम वीक या उसको किल करके हमारे बॉडी में क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं. जैसे कि एग्जाम्पल में बता देता हूँ आपको पोलियो वायरस का. ठीक है, तो पोलियो वायरस या पोलियो वैक्सीन है. पोलियो वैक्सीन एक्चुअली हम क्यों यूज करते हैं, ताकि जो पोलियो वायरस जो डिजीज कॉज करता है पोलियो, उससे हम बच सके. ओके, तो जो पोलियो वैक्सीन है वो एक्चुअली में पोलियो वायरस ही होता है. ठीक है, जो हम बच्चों को देते हैं पोलियो वायरस, तो उसमें एक्चुअली जो पोलियो वैक्सीन देते हैं बच्चों को, एक्चुअली उसमें पोलियो वायरस ही होता है. बट जो पोलियो वायरस है वो या तो वीक होता है, उसको हम मार मार के उसको हम क्या कर देते हैं, वीक कर देते हैं. ठीक है, या हम कुछ बायोलॉजिकल प्रोसेस से उसको वीक कर देते हैं, ताकि उसकी जो पोलियो डिजीज कॉजिंग जो कैपेबिलिटी है वो कमजोर हो जाती है. या तो हम उसको पूरा किल करके हमारे बॉडी में डालते हैं, ताकि वो हमारे बॉडी में जाने के बाद डिजीज कॉज तो नहीं कर सकता, बट उसके अगेंस्ट हमारे बॉडी में इम्यून एंटीबॉडीज डेवलप हो जाता है, या हमारे बॉडी में इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है. ओके, तो वही है वैक्सीन. वैक्सीन एक्चुअली एक बायोलॉजिकल प्रिपरेशन के थ्रू हम बनाते हैं, ताकि हमारे बॉडी में एक पर्टिकुलर डिजीज के लिए इम्यूनिटी डेवलप हो सके या इम्प्रूव हो सके. तो जो वैक्सीन है उसमें हम एक्चुअली कुछ मॉलिक्यूल्स यूज करते हैं. ठीक है, जो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनकी तरह ही रिजेंबल करते हैं. ओके, या हम ऐसा भी बोल सकते हैं, या तो उनकी तरह रिजेंबल करते हैं या खुद वो माइक्रोब ही होते हैं जो डिजीज कॉज करता है. बट वो माइक्रोब किस में किस फॉर्म में होता है, या तो वीक फॉर्म में होता है या तो वो डिजीज फॉर्म में होता है, जो मैंने आपको अभी एग्जाम्पल बताया. फॉर एग्जाम्पल, आपके क्लास में एक लड़का है जो बहुत एक खतरनाक है. ठीक है, जो बहुत क्लास में ऐसे बुली बुली टाइप का लड़का है, तो वो अगर आपके क्लास में आता है तो वो सारे बच्चों को मारता है. ठीक है, तो मुझे पता चल गया, आपके टीचर को पता चल गया कि वो बच्चा सब बच्चों को मारता है. तो टीचर ने क्या किया, उसको बाहर पकड़ के उसको बहुत मारा, मारने के बाद उसको क्लास में छोड़ दिया. तो वो किसी और को मारने के काबिल नहीं रहेगा, तो आप कोई भी आके उसको मार सकते हो, क्योंकि वो ऑलरेडी अधमरा हुआ है. उसके हाथ पैर तोड़ के क्लास में डाल दिया, क्लास में छोड़ दिया. तो जो भी आप क्लास में जो भी आपको गुस्सा आएगा, गुस्सा होगा, तो आप उस वो जो गुस्से वाला लड़का है वो जाके उसको मार सकता है. ठीक है, कोई क्लास में कोई कमजोर बच्चा भी होगा तो उसको जाके मार सकता है. या अगर मैंने या हमने या किसी भी टीचर ने किसी जो गुंडा जो बुली लड़का है उसको ऑलरेडी उसको किल कर दिया, किल करने के बाद आपको क्लास में छोड़ दिया, तो वो आपको नहीं इंफेक्ट कर सकता है, बट आप उसको जाके लात वार मार सकते हैं. ओके, तो वही है ये एग्जाम्पल इसका. देन तो ये जो एजेंट है, जो ये माइक्रोब है हमारे बॉडी में, जिसको हमने वीक करके या किल करके हमारे बॉडी में इंट्रोड्यूस किया है, तो वो जो माइक्रोब है उसको सबसे पहले हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो रिकॉग्नाइज करेगा. रिकॉग्नाइज करने के बाद क्या रिकॉग्नाइज करेगा वो, हाँ, कि ये जो मॉलिक्यूल है ये फॉरेन मॉलिक्यूल है, हमारे बॉडी का नहीं है. तो उसके अगेंस्ट वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेगा. एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करने के बाद उसको डिस्ट्रॉय कर देगा. डिस्ट्रॉय करने के बाद वो, आपको पता है, बी सेल किसी एंटीजन के साथ इंटरेक्ट करने के बाद एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है, डिवाइड हो जाता है किसमें, एक प्लाज्मा सेल में, एक मेमोरी सेल में. प्लाज्मा सेल एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है, और जो मेमोरी सेल है वो रिकॉर्ड रखता है कि ये जो ऑर्गेनिज्म है हमारे बॉडी में ऑलरेडी आ चुका है, इन केस इन फ्यूचर वो अगर हमारे बॉडी में फिर से एंटर होगा तो मैं इसको डिस्ट्रॉय कर दूंगा. ओके, तो एक मेमोरी भी आपके बॉडी में डेवलप हो जाती है. Okay, so that the immune system can more easily recognize and destroy any of these microorganisms that it later encounters. जो आपको पता है, जब भी हमारे बॉडी में कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म पहली बार एंटर होता है,
तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी प्रोड्यूस होने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स बोलते हैं। तो प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स हमेशा याद रखना स्लो होता है और वीक होता है, ओके। बट जब वो आई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी में दूसरी बार एंटर होता है, तो उस टाइम पे जो हमारी बॉडी की जो इम्यूनिटी है वो उसके अगेंस्ट सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स दिखाता है, दैट इज वेरी फास्ट एंड स्ट्रॉन्ग, ओके। तो यहाँ पे वही होता है, एक बार अगर हमने हमारे बॉडी में माइक्रोब को इंट्रोड्यूस कर दिया, तो उसके अगेंस्ट हमारे बॉडी में एंटीबॉडी प्रोड्यूस होंगे, ठीक है। जो नेक्स्ट टाइम अगर एक्चुअल जो माइक्रोब हमारे बॉडी में एंटर होगा, तो उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी एकदम से रिस्पॉन्ड शो करेगी, ओके। सो द टर्म वैक्सीन एंड वैक्सीनेशन आर डिराइव्ड फ्रॉम वेरियोला वैक्सीनी स्मॉल पॉक्स ऑफ काऊ। तो ये जो वैक्सीनेशन है तो वो कहाँ से डिराइव हुआ था, वेरियोली वैक्सीनी, ठीक है, जिसको क्या क्या कहा जाता है, स्मॉल पॉक्स ऑफ काऊ। तो ये जो टर्म है वो किसने डिराइव किया था, किसने डिवाइस किया था, एडवर्ड जेनर ने। तो जो वैक्सीनेशन है, ये जो प्रोसीजर है, इसको डिस्कवर ही किसने किया था, एडवर्ड जेनर ने किया था, टू डिनोट काउ पॉक्स। तो डिनोट काउ पॉक्स को डिनोट करने के लिए उसने क्या कहा था, वेरियोली वैक्सीनी, ये यूज किया। उसने क्या किया था, एक्चुअली जो वेरियोली वैक्सीन है या जो स्मॉल पॉक्स ऑफ काउ है, उसको इंट्रोड्यूस किया था बच्चों में। तो बच्चों में इस स्मॉल पॉक्स ऑफ काऊ के अगेंस्ट एंटीबॉडी डेवलप हो गई थी, जो एक्चुअल स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट जिसने इम्यूनिटी शो की थी। इसीलिए इसको जो ये वैक्सीनेशन है वो एडवर्ड जेनर ने डिवाइस किया था। हम पढ़ेंगे इसके बारे में थोड़ा सा हिस्ट्री, ठीक है। तो 1960 में जब एडवर्ड जेनर काम कर रहा था, तो उसको ये स्टोरी सुनने में आया कि गांव में जो काम कर रहे हैं कुछ डेयरी फार्म पे कुछ लड़कियां या औरतें, ओके, तो वो उनमें एक डिजीज जिसको स्मॉल पॉक्स कहा जाता है वो बहुत ही कम देखने को मिल रहा था, या उनमें स्मॉल पॉक्स हो ही नहीं रहा था, ठीक है। तो उसके बाद उसने थोड़ा सा उस पर रिसर्च किया। रिसर्च करने के बाद उसको पता चला कि उन औरतों में ऑलरेडी एक वायरस, या उन औरतों को ऑलरेडी एक डिजीज ने इन्फेक्ट किया होता है, दैट इज द काउ पॉक्स, ठीक है। तो उनमें काउ पॉक्स हुआ होता है, जिसको हम स्मॉल पॉक्स ऑफ काउ भी बोलते हैं। तो उसकी वजह से उन औरतों में स्मॉल पॉक्स जो डिजीज है वो नहीं हो रहा था। तो वो किस तरीके से नहीं हो रहा था, ये देखते हैं हम। तो ये इसलिए नहीं हो रहा था कि जो काउ पॉक्स है, जो गाय में होता है स्मॉल पॉक्स, तो वो उन औरतों में ट्रांसफर हो रहा था थ्रू एनी सोर्सेस, एनी मीन्स। तो ट्रांसफर होने के बाद जब वो औरतों के बॉडी में चला गया, उन मिल्क मेड के बॉडी में चला गया, तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो रहे थे, ठीक है, उस स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट, ओके। तो जो फीमेल है उसमें एक टाइप का इम्यून रिस्पॉन्स डेवलप हो गया था प्राइमरी। अब काउ पॉक्स जो है वो क्या है, वो इतना इन्फेक्शियस या इतना पैथोजेनिक नहीं है या हार्मफुल नहीं है, ठीक है, जो गाय में जो स्मॉल पॉक्स है, दैट इज नॉट दैट हार्मफुल फॉर द ह्यूमन। तो बहुत ही माइल्डली, हम क्या बोलेंगे, माइल्डली हार्मफुल है, ओके। यहाँ माइल्ड इफेक्ट उसका देखने को मिलता है एक ह्यूमन बॉडी पे, बट जो एक्चुअल स्मॉल पॉक्स है जो ह्यूमन में होता है, दैट इज वेरी हार्मफुल, दैट इज वेरी पैथोजेनिक, ठीक है। तो इन औरतें में क्या हो रहा था, जो गाय है उसका जो स्मॉल पॉक्स है वो इनमें ट्रांसफर हो रहा था एनी मीन्स, थ्रू एयर या किसी भी थ्रू जरिए वो उन औरतों में एंटर हो रहा था। एंटर होने के बाद वो इम्यून रिस्पॉन्स उस पर्टिकुलर काउ पॉक्स के लिए डेवलप हो रहा था, ठीक है। तो जो काउ में जो स्मॉल पॉक्स है और जो ह्यूमन में जो स्मॉल पॉक्स है, जो स्मॉल पॉक्स के लिए जो माइक्रोब है, वो उन दोनों के जो स्ट्रक्चर है ऑलमोस्ट सिमिलर है, ठीक है। तो एंटीबॉडीज उस काउ पॉक्स के लिए डेवलप हो रहा था उन फीमेल्स में। तो जब एक्चुअल जो ह्यूमंस में स्मॉल पॉक्स होता है, जो ह्यूमन में जो स्मॉल पॉक्स काजिंग वायरस है, जब वो एंटर होता था उन फीमेल में, तो ऑलरेडी फीमेल में एंटीबॉडी डेवलप हो चुका है, तो वो एकदम से उन स्मॉल पॉक्स जो वायरसेस है या जो माइक्रोब्स है उनको कैच कर रहा था और उनको डिस्ट्रॉय कर रहा था, जिसकी वजह से उन फीमेल में ये जो स्मॉल पॉक्स है वो कॉज नहीं हो रहा था, ओके। तो एडवर्ड जेनर ने इसी पे उसने रिसर्च किया। रिसर्च करने के बाद उसने क्या देखा, उसने ये देखा कि जो फीमेल है, उसने क्या किया, उसने एक्सपेरिमेंट किया कि जो मिल्क मेड है उनके हाथों से उसने पस एक्सट्रैक्ट किया। एक्सट्रैक्ट करने के बाद
और पर्टिकुलरली उन औरतों से जिनको काउ पॉक्स हुआ है, ठीक है, तो उनके पस पस से उस हाथों के पस से हाथों से उसने पस कलेक्ट किया। कलेक्ट करने के बाद जो एक 8 साल के बच्चे के बॉडी में उसने बॉडी जो आम है उसको स्क्रैच किया, उसको खरोचा, खरोचने के बाद उस पस को उस स्क्रैच पे क्या कर दिया, लगा दिया, ठीक है। लगाने के बाद 6 हफ्ते तक उसने क्या किया, वेट किया। 6 हफ्ते के बाद उस बच्चे में, जो 8 साल के बच्चे जिसने पस इंट्रोड्यूस किया था, उसी बच्चे में उसने जो स्मॉल पॉक्स कॉज करता है जो माइक्रोब, उसको इंट्रोड्यूस किया या इनोकुलेट किया। इनोकुलेट करने के बाद ये देखा गया कि उस बच्चे में जो स्मॉल पॉक्स है वो नहीं हो रहा था, या हम ऐसा बोल सकते हैं कि उस बच्चे में स्मॉल पॉक्स जो डिजीज है वो डेवलप नहीं हो रहा था। ओके, तो इसका मतलब ये है कि उस स्मॉल पॉक्स के लिए क्या हो रहा है उसके बॉडी में, उस स्मॉल पॉक्स के लिए एंटीबॉडीज डेवलप हो रहे हैं। ओके, सो 6 वीक लेटर इनोकुलेटेड द बॉय विद स्मॉल पॉक्स आफ्टरवर्ड ऑब्जर्विंग दैट ही डिड नॉट कैच स्मॉल पॉक्स। सो जेनर एक्सटेंडेड हिज स्टडीज एंड इन 1798 रिपोर्टेड दैट हिज वैक्सीन वाज सेफ इन चिल्ड्रन एंड एडल्ट। उसके बाद उसने अपने स्टडी को आगे बढ़ाया। बढ़ाने के बाद 1798 में उसने ये रिपोर्ट किया कि जो वो वैक्सीन यूज करता है, जो मिल्क मेड के काउ, मिल्क मेड के पस से जो उसने एक्सट्रैक्ट किया, मेनली जो काउ पॉक्स कॉज करता है, उस वायरस को या उस बैक्टीरिया को और बच्चों में डाल दिया और एडल्ट में डाल दिया, तो वो उन एडल्ट और बच्चों में जो ये पस है वो सेफ था। ओके, सो उसके बाद जो सेकेंड जनरेशन ऑफ वैक्सीन है वो किसने इंट्रोड्यूस किया, वो इंट्रोड्यूस किया 1880 में लुईस पाश्चर ने, जिसने बहुत सारे वैक्सीन डेवलप किए। किसके लिए? चिकन के लिए, कोलेरा के लिए, चिकन कोलेरा के लिए और एंथ्रेक्स के लिए। ओके, देन 19 सेंचुरी के बाद जो वैक्सीन है उनको एक नेशनल प्रेस्टीज की तरह कंसिडर किया गया, एक मैटर ऑफ नेशनल प्रेस्टीज की तरह कंसिडर किया गया, और बहुत सारे देशों में कंपल्सरी वैक्सीनेशन लॉ पास किए गए। या हमारे जैसे कि इंडिया में पोलियो वैक्सीन देना कंपल्सरी है, या जो हेपेटाइटिस वैक्सीन है वो देना क्या है, कंपल्सरी है, ठीक है। तो बहुत सारे देशों में वैक्सीन को इंट्रोड्यूस करना है, वैक्सीनेशन कंपल्सरी कर दिए गए बहुत सारे डिजीज के लिए। तो जो वैक्सीन है डिफरेंट टाइप्स के हैं। सबसे पहला है लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन है, इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है, सब यूनिट वैक्सीन है, टॉक्सॉइड वैक्सीन है, कंजुगेट वैक्सीन है, डीएनए वैक्सीन है और रिकम्बिनेंट वैक्सीन है। तो हम ये करके डिस्कस करेंगे। तो जो पहला वैक्सीन है दैट इज द लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन, ठीक है। तो लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन में क्या होता है, हम माइक्रोब को यूज करते हैं जो हमारे बॉडी में डिजीज कॉज करता है। अगर हम पोलियो डिजीज की बात करेंगे तो पोलियो डिजीज इज कॉल्ड बाय द पोलियो वायरस। ओके, तो हम क्या करेंगे, आपने सुना होगा पोलियो वैक्सीन, तो हम पोलियो वैक्सीन में उसी पोलियो वायरस को ही यूज करते हैं। बट उस पोलियो वायरस को हम क्या करते हैं, थोड़ा सा वीक कर देते हैं, ताकि वीक होने के बाद जो पोलियो वायरस है हमारे बॉडी में अगर एंटर हो गया तो हमारे बॉडी में वो डिजीज डेवलप नहीं करता है, बट इम्यून रिस्पॉन्स वो बराबर डेवलप होता है। ओके, तो हम क्या करेंगे, जो माइक्रोब है उसको वीक कर देंगे, कहाँ पे, लेबोरेटरी में, सो इट कैन नॉट कॉज डिजीज। तो जो माइक्रोब डिजीज कॉज करता है उसी माइक्रोब को हम लेंगे और उसके बाद उसको लेप में उसमें थोड़ा सा चेंजेस करके हम उसको वीक कर देंगे, कमजोर बना देंगे, और ताकि जब वो वायरस या जो माइक्रोब है वो कमजोर हो जाएगा तो हमारे बॉडी में जाके वो डिजीज कॉज नहीं करेगा। ओके, जब वो डिजीज कॉज नहीं करेगा बट वो इम्यून रिस्पॉन्स डेवलप करेगा। ओके, सो बिकॉज ए लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन इज द क्लोजेस्ट थिंग टू ए नेचुरल इन्फेक्शन, दीज वैक्सीन आर गुड टीचर्स ऑफ द इम्यून सिस्टम। तो एक लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन क्या रहता है, एक क्लोजेस्ट थिंग रहता है किसके लिए, नेचुरल इन्फेक्शन के लिए। अगर हम पोलियो वायरस या पोलियो वैक्सीन दे रहे हैं तो पोलियो वैक्सीन में हम जो पोलियो वायरस यूज करते हैं तो वो पोलियो वायरस ही होता है, बट वो वीकेंड होता है, तो वो बहुत एक नेचुरल इन्फेक्शन की तरह ही रहता है। बट उनकी जो इन्फेक्शियस या उनकी जो इम्यूनोजेनिसिटी है वो वीक होती है, जिसकी वजह से वो उस पर्टिकुलर पर्सन में इम्यून रिस्पॉन्स डेवलप तो करता है बट वो हमारे वो उस पर्सन को इफेक्ट नहीं कर पाता है, वो उस पर्सन में डिजीज डेवलप नहीं कर पाता है। ओके, सो इसीलिए इन वैक्सीन को गुड टीचर्स भी कहा गया है। जैसे कि एग्जाम्पल है वैक्सीन अगेंस्ट मीजल, मम्स एंड चिकन पॉक्स, और इसी में आता है
बीसीजी वैक्सीन जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के लिए यूज किया जाता है, या पोलियो वैक्सीन है उसको यूज किया जाता है। तो हम कैसे इसको लेबोरेटरी में वो करेंगे, लेबोरेटरी में हम कैसे इसको वीक करेंगे, ठीक है। तो हम उन माइक्रोब्स को ऐसे इन कंडीशन में उनको ग्रो करेंगे जो इनके लिए अनफेवरेबल होगा, ठीक है। जैसे कि हाई बाइट कंसेंट्रेशन एंड पासेज थ्रू एम्ब्रियोनेटेड एग दैट प्रोवाइड हार्श इन्वायरमेंट टू द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ओके। या हम उनको बहुत कोल्ड कंडीशन में उनको डेवलप करेंगे, या हाई टेम्परेचर सेंसिटिव कंडीशन में उनको डेवलप करेंगे, जिससे उनको एक अनफेवरेबल कंडीशन मिलेगा। अनफेवरेबल कंडीशन में वो प्रॉपरली डेवलप नहीं हो पाएंगे। तो ये हो गया लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन। तो इसका एक सिर्फ ये डिसएडवांटेज है कि अगर इनमें जो ये हमने एटीन्यूएटेड वैक्सीन्स को जो वीक किया, अगर वो फिर से स्ट्रांग हो जाएंगे तो बॉडी में वो हमारा जो डिजीज है वो डेवलप कर सकता है, ओके। तो जो इंडिया में वैक्सीन यूज होता है पोलियो वैक्सीन, उसको हम सेबिन पोलियो वैक्सीन बोलते हैं। तो वो कौन सा वैक्सीन है, वो है लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन। देन उसके बाद दूसरा है इनएक्यूरेट वैक्सीन। तो इसमें हम क्या करते हैं, डायरेक्टली जो माइक्रोब है उसको हम या तो किल कर देते हैं, ओके, बाय केमिकल रेडिएशन या हीट करके, ओके। पहले में हमने क्या किया, हमने उसको वीक किया। इसमें हम वीक नहीं करेंगे, हमने डायरेक्टली इसको माइक्रोब को किल कर देंगे। अगर पोलियो वायरस है तो पोलियो वायरस को किल करके हम पोलियो वैक्सीन में डालेंगे, फिर उस पोलियो वैक्सीन को हम इंट्रोड्यूस करेंगे। तो जो बाहर कंट्रीज में जो पोलियो वैक्सीन यूज होता है उसको हम साल्क पोलियो वैक्सीन बोलते हैं। तो वो एक इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है, ओके। तो यहाँ पे देखो, साइंटिस्ट प्रोड्यूस इनएक्टिवेटेड वैक्सीन बाय किलिंग द डिजीज कॉजिंग माइक्रोब विद केमिकल्स, हीट और रेडिएशन। तो हम माइक्रोब यूज करेंगे, बट वो माइक्रोब को हम क्या करेंगे, या उसको किल कर देंगे, ठीक है, बाय केमिकल, हीट या रेडिएशन, ठीक है। सो सच वैक्सीन आर मोर स्टेबल एंड सेफर देन लाइव वैक्सीन। तो ये जो वैक्सीन है इनएक्टिवेटेड वैक्सीन, वो क्या है, बहुत स्टेबल है और सेफर है, किससे, लाइव वैक्सीन से, ओके। सो बिकॉज डेड माइक्रोब्स कांट म्यूटेट बैक टू देयर डिजीज कॉजिंग स्टेट, क्योंकि जो डेड माइक्रोब से जो मर चुके हैं वो माइक्रोब वापस से अपने डिजीज कॉजिंग स्टेट में नहीं आ सकते, इसीलिए ये बहुत ही सेफ और स्टेबल वैक्सीन है, ओके। तो इसका एग्जाम्पल है जैसे कि वैक्सीन अगेंस्ट इन्फ्लुएंजा, पोलियो, मेनली कौन सा पोलियो, साल्क पोलियो वैक्सीन, ओके। हेपेटाइटिस ए और रेबीज के लिए जो वैक्सीन यूज किया जाता है वो है इनएक्टिवेटेड वैक्सीन। देन जो थर्ड है, दैट इज द सब यूनिट वैक्सीन। तो ये क्या होते हैं, इंस्टेड ऑफ द एंटायर माइक्रोब, सब यूनिट वैक्सीन इंक्लूड ओनली द एंटीजेंस दैट बेस्ट स्टिमुलेट द इम्यून सिस्टम। तो हम यहाँ पे पूरे माइक्रोब को यूज नहीं करते, हमने लाइफ और उसमें क्या देखा, एटीन्यूएटेड में या इनएक्टिवेटेड में, कि हम माइक्रोब को, होल माइक्रोब को ही यूज कर रहे हैं, या तो उसको वीक करके यूज कर रहे हैं या उसको किल करके यूज कर रहे हैं। बट यहाँ पे सब यूनिट वैक्सीन में हम क्या करते हैं, पूरे एंटायर माइक्रोब को यूज नहीं करते, बल्कि उसका एक सब यूनिट यूज करते हैं जो आपके बॉडी में इम्यून सिस्टम डेवलप कर सकते हैं, इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट कर सकता है, ओके। इन सम केसेस दिस वैक्सीन यूज एपिटोप्स, द वेरी स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द एंटीजन दैट एंटीबॉडीज और टी सेल रिकॉग्नाइज एंड बाइंड टू। तो मेनली जो ये ऐसे वैक्सीन जैसा यूनिट वैक्सीन, हम इसमें क्या करते हैं, मेनली जो एपिटोप है जो एंटीजन के साथ बाइंड होता है उस एपिटोप को यूज करते हैं, ठीक है, या हम उन स्पेसिफिक पार्ट्स को यूज करते हैं जो एपिटोप की तरह काम करता है उस माइक्रोब का, ताकि वो एपिटोप बाइंड हो सके किसके साथ, एंटीबॉडीज के साथ और टी सेल्स के साथ बाइंड हो सके, और वो बी सेल और टी सेल्स उसको रिकॉग्नाइज करे और उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज या इम्यूनिटी शो करे, ओके। तो होल ऑर्गेनिज्म को यूज नहीं करेंगे, उसका एक पार्ट हम यूज करेंगे, ओके। सो बिकॉज सब यूनिट वैक्सीन कंटेन्स ओनली द एसेंशियल एंटीजन एंड नॉट ऑल द अदर मॉलिक्यूल दैट मेक अप द माइक्रोब। तो जो ये सब यूनिट वैक्सीन है उसमें सिर्फ माइक्रोब का एक छोटा सा पार्ट प्रेजेंट होगा जो मेनली एंटीजन की तरह काम करता है, ओके, जो एसेंशियल एंटीजन की तरह काम करता है, जो इम्यूनिटी डेवलप कर सकती है। होल ऑर्गेनिज्म को हम यहाँ पे यूज नहीं करते हैं, ओके। जैसे कि इसका एग्जाम्पल है प्लेक इम्यूनाइजेशन, ओके। देन नेक्स्ट है टॉक्साइड वैक्सीन। तो फॉर बैक्टीरिया दैट सिक्रीट्स टॉक्सिन और हार्मफुल केमिकल्स, एटॉक्साइड वैक्सीन में बी द आंसर, ठीक है। तो
बैक्टीरिया के लिए जो टॉक्सिन रिलीज करता है, ठीक है, आपको पता है बहुत सारे बैक्टीरिया से जो एक्सोटॉक्सिन रिलीज करता है जो आपके बॉडीज पे या आपके सेल में इफेक्ट कर सकता है, ओके, या कुछ ऐसे हार्मफुल केमिकल्स वो रिलीज करता है जो आपके बॉडी को हार्म पहुंचा सकता है, तो उस केस में एक टॉक्साइड वैक्सीन बहुत ही एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, ओके। तो जो बैक्टीरिया का जो हार्मफुल पार्ट है वो क्या है, वो एक टॉक्सिन होता है, ओके, विच इज न्यूट्रलाइज्ड बाय बॉडीज इम्यून सिस्टम, जो मेनली हमारी बॉडी की जो इम्यून सिस्टम है वो उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। तो इस मेथड में क्या होता है, जो टॉक्साइड मेथड में हम एक एक्सोटॉक्सिन जो बैक्टीरिया है उसको आइसोलेट करते हैं, देन उसको हम केमिकल के साथ मॉडिफाई करते हैं ताकि इसकी जो टॉक्सिसिटी है वो लूज हो जाए, ठीक है। जब टॉक्सिन की टॉक्सिसिटी लूज हो जाती है तो उस टॉक्सिन को हम क्या बोलते हैं, टॉक्साइड बोलते हैं, ओके। सो दीज वैक्सीन आर यूज व्हेन ए बैक्टीरियल टॉक्सिन इज द मेन कॉज ऑफ इलनेस। तो बहुत सारे ऐसे डिजीज है जैसे कि कोलेरा टॉक्सिन, तो कोलेरा टॉक्सिन रिलीज करता है, उस टॉक्सिन से हमारे बॉडी में इफेक्ट होता है, तो इसीलिए हम ऐसे टॉक्सिन प्रोड्यूस करेंगे, टॉक्साइड प्रोड्यूस करेंगे जो उस टॉक्सिन को क्या कर सके, उसको सप्रेस कर सके। सो साइंटिस्ट हैव फाउंड दैट दे कैन इनएक्टिवेट टॉक्सिन्स बाय ट्रीटिंग देम विद फॉर्मलिन, सच डिटॉक्सिफाइड टॉक्सिन्स कॉल्ड टॉक्साइड्स आर सेफ फॉर यूज इन वैक्सीन। तो साइंटिस्ट ने एक रास्ता निकाला है किसके लिए, इन टॉक्सिन्स को डिटॉक्सिफाई करने के लिए, ठीक है, बाय ट्रीटिंग देम विद फॉर्मलिन, फॉर्मलिन के साथ हम उसको ट्रीट कर सकते हैं, ओके, या ऐसे कुछ केमिकल्स है जिसके थ्रू हम इस टॉक्सिन्स को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, ओके। सो टॉक्सिन जब डिटॉक्सिफाई हो जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, टॉक्साइड बोल सकते हैं, और टॉक्साइड आर सेफ फॉर यूज इन वैक्सीन। तो इसका एग्जांपल है प्रोटेलस एट्रॉक्स टॉक्साइड इज यूज टू वैक्सीनेट डॉग्स अगेंस्ट रेटल स्नेक बाइट्स। तो रेटल स्नेक बाइट्स के अगेंस्ट हम ये प्रोटेलस एट्रॉक्स टॉक्साइड को यूज कर सकते हैं, ओके। और जो टेटनस का जो वैक्सीन है वो भी इसी में आता है, टेटनस टॉक्साइड वैक्सीन, ओके। तो मेनली जो वैक्सीनेशन हम बनाते हैं किसके लिए, टेटनस के लिए, वो भी एक टाइप का टॉक्साइड वैक्सीन है। तो वैक्सीनेशन विद टॉक्साइड जनरेट एंटी टॉक्साइड एंटीबॉडी विच इज केपेबल ऑफ बाइंडिंग एंड न्यूट्रलाइजिंग एक्टिव टॉक्सिन। तो जब हम टॉक्साइड हम बॉडी में डालेंगे तो इस टॉक्साइड के अगेंस्ट एंटीबॉडी प्रोड्यूस होते हैं, कौन से एंटीबॉडीज, एंटी टॉक्साइड एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होते हैं, और जो एंटी टॉक्साइड एंटीबॉडीज है उनके पास वो क्षमता रहती है कि जो नेचुरल टॉक्सिन्स के साथ वो जाके बाइंड हो सके और उसको न्यूट्रलाइज कर सके, ओके। तो ये जो टॉक्साइड वैक्सीन है इट कांट बी यूज्ड अगेंस्ट दोज ऑर्गेनिज्म व्हिच डू नॉट प्रोड्यूस एंडोटॉक्सिन, ठीक है। तो ये जो मेथड है वो उन ऑर्गेनिज्म्स के लिए, ये वैक्सीन है उन ऑर्गेनिज्म्स के लिए एक अच्छा मेथड साबित नहीं हो सकता है जो एक्सोटॉक्सिन एंडोटॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, जैसे कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया वो एंडोटॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, जो सेल के अंदर वो टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, जो एक्सोटॉक्सिन प्रोड्यूस नहीं करते। तो ये सिर्फ उन टॉक्सिन्स के लिए या उन माइक्रोब्स के लिए बेनिफिशियल है या उन माइक्रोब्स के लिए हार्मफुल है जो एक्सोटॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं, ओके। देन उसके बाद जो नेक्स्ट है दैट इज कंजुगेट वैक्सीन, ठीक है। तो कंजुगेट वैक्सीन क्या होते हैं, इफ ए बैक्टीरियम पोजेस एन आउटर कोटिंग ऑफ शुगर मॉलिक्यूल्स कॉल्ड पॉलीसेकेराइड, तो इसको पॉलीसेकेराइड वैक्सीन्स भी कहते हैं, ओके। एज मेनी हार्मफुल बैक्टीरिया डू, रिसर्चर्स मे ट्राई मेक ए कंजुगेट वैक्सीन फॉर इट। तो बहुत सारे बैक्टीरिया हैं जिनके बॉडी के या जिनके मेम्ब्रेन के ऊपर क्या रहता है, एक पॉलीसेकेराइड मॉलिक्यूल्स रहते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे हार्मफुल बैक्टीरिया हैं जिनके बॉडी के ऊपर क्या रहता है, पॉलीसेकेराइड्स रहते हैं। तो इन पॉलीसेकेराइड्स को एज ए एंटीजन कंसिडर किया जाता है और इस पॉलीसेकेराइड के अगेंस्ट एंटीबॉडी प्रोड्यूस होता है, ओके। तो ये जो पॉलीसेकेराइड वैक्सीन हम उसको ऐसे भी बोल सकते हैं, कोटिंग ऑफ कैप्सुलर पॉलीसेकेराइड प्रेजेंट ऑन द बैक्टीरिया इज रेजिस्टेंट अगेंस्ट कंप्लीमेंट प्रोटीन्स एंड फेगोसाइटोसिस, ठीक है। तो ये जो बैक्टीरिया के ऊपर जो कवरिंग रहती है किसका, पॉलीसेकेराइड का, तो वो रेजिस्टेंस शो दिखाता है किसके अगेंस्ट, जो कम्प्लीमेंट सिस्टम है या कम्प्लीमेंट प्रोटीन्स है या कम्प्लीमेंट कंपोनेंट्स है उसके अगेंस्ट वो रेजिस्टेंस शो करता है, और साथ साथ में फेगोसाइटोसिस भी उन वैक्सीन का
उन पर्टिकुलर बैक्टीरिया का नहीं होता है जिनके बॉडी के ऊपर पॉलीसेकेराइड्स होते हैं. ओके, सो दीज पॉलीसेकेराइड्स कैन बी डायरेक्टली यूज फॉर जनरेटिंग एंटीबॉडी टू फेवर फेगोसाइटोसिस ऑफ द पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म. तो इस पॉलीसेकेराइड को हम यूज कर सकते हैं किसके लिए, इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी प्रोडक्शन कर सके. और वो एंटीबॉडी जब इस पॉलीसेकेराइड के साथ बाइंड होगा, बैक्टीरिया के बॉडी के ऊपर जो पॉलीसेकेराइड है उस पर जाके बाइंड होगा, तो वो फेगोसाइटोसिस को क्या कर सके, फेवर कर सके और उस पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय या फेगोसाइट कर सके. ओके, तो यहाँ पे देखो, पॉलीसेकेराइड कोटिंग डिस्गाइज ए बैक्टीरियम एंटीजन सो दैट द इमेच्योर इम्यून सिस्टम और इन्फेंट्स एंड यंगर चिल्ड्रन कांट रिकॉग्नाइज और रिस्पॉन्स टू देम. तो जो पॉलीसेकेराइड कोटिंग्स है वो मेनली क्या करता है, वो मेनली उस बैक्टीरिया को बचाता है हमारे इम्यून सिस्टम के अगेंस्ट, मेनली कंप्लीमेंट सिस्टम या जो फेगोसाइट्स है उनके अगेंस्ट. ठीक है, तो जब हम पॉलीसेकेराइड के अगेंस्ट ही एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेंगे तो क्या होगा, तो उसी पॉलीसेकेराइड के अगेंस्ट एंटीबॉडी प्रोड्यूस होगा, तो उस एंटीबॉडी को हमारा कंप्लीमेंट सिस्टम भी रिकॉग्नाइज कर पाएगा और फेगोसाइटिक सेल्स भी वो रिकॉग्नाइज कर पाएगा. तो ऐसे वैक्सीन को हम क्या बोलते हैं, कंजुगेट वैक्सीन बोलते हैं. जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिया, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी वैक्सीन. ठीक है, तो इस जो हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी वैक्सीन है वो एक टाइप का क्या है, कंजुगेट वैक्सीन है. या निमोकोकल निमोनिया जो वैक्सीन है, ठीक है, वो भी एक टाइप का पॉलीसेकेराइड वैक्सीन या कंजुगेट वैक्सीन है. या मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस वैक्सीन है, वो भी एक टाइप का क्या है, कंजुगेट वैक्सीन है. ओके, देन उसके बाद जो नेक्स्ट है दैट इज द डीएनए वैक्सीन. ठीक है, तो डीएनए वैक्सीन क्या होते हैं, तो डीएनए वैक्सीन होता है स्टिल इन द एक्सपेरिमेंट स्टेजेस, दीज वैक्सीन शो ग्रेट प्रॉमिस एंड सेवरल टाइप्स आर बीइंग टेस्टेड इन ह्यूमंस. तो डीएनए वैक्सीन टेक इम्यूनाइजेशन टू अ न्यू टेक्नोलॉजिकल लेवल, दीज वैक्सीन डिस्पेंस विद बोथ द होल ऑर्गेनिज्म एंड इट्स पार्ट एंड गेट राइट डाउन टू द एसेंशियल द माइक्रोब्स जेनेटिक मटेरियल. तो डीएनए वैक्सीन क्या होते हैं, ठीक है, तो इट इन्वॉल्व इंट्रोडक्शन ऑफ डीएनए प्लास्मिड इनटू द मसल सेल्स ऑफ रिसिपिएंट. तो हम क्या करते हैं, एक डीएनए है, ठीक है, जिसको हमने प्लास्मिड में इंट्रोड्यूस किया है, फिर उसको हम एक मसल सेल्स में क्या करेंगे, रिसिपिएंट के इंट्रोड्यूस कर देंगे. ठीक है, तो जो ये प्लास्मिड है कंटेनिंग प्रोटीन कोडिंग जीन्स एक्सप्रेस दैट जेनरेट्स एडाप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स. तो जो वेक्टर्स है, हम इसको इस तरह दिखाएंगे आपको इसको समझने के लिए. इस तरीके से लाइक जब आप पढ़ोगे बायोटेक्नोलॉजी में डिफरेंट हो रहे थे, तो ये प्लास्मिड है, प्लास्मिड इज ए एक्स्ट्रा क्रोमोसोम ऑफ ए बैक्टीरिया या बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के. तो प्लास्मिड में हम क्या कर देंगे, प्लास्मिड में जो भी हमारा वायरस या जो भी बैक्टीरिया होगा उसका डीएनए इंसर्ट कर देंगे. ये इंसर्ट कर दिया, ठीक है, जो मेनली उस बैक्टीरिया के कुछ जीन्स कोड करेगा. देन उसके बाद उस प्लाज्मिड को, ये जो डीएनए है ये किसका डीएनए है, ये उस ऑर्गेनिज्म का डीएनए है जिसके अगेंस्ट आप वैक्सीन बनाना चाहते हो. ओके, तो इस डीएनए को इस प्लाज्मिड में डाल दिया. प्लाज्मिड में डालने के बाद उस प्लाज्मिड और डीएनए को हम क्या करेंगे, मसल सेल्स में जो रिसिपिएंट है, जो भी हम रिसिपिएंट है दूसरा कोई ऑर्गेनिज्म होगा, उसके मसल सेल्स में हम क्या करेंगे, मसल सेल्स में इंजेक्ट कर देंगे. ओके, देन जो ये प्लास्मिड है जिसमें जो हमारा डीएनए प्रेजेंट है या उसमें वो जीन प्रेजेंट है जिसमें जो प्रोटीन कोडिंग जीन है, तो एक्सप्रेस दैट जनरेट्स एडाप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स. तो जो डीएनए है ये क्या होगा, इस मसल सेल्स में जाने के बाद, मसल से भी जाने के बाद वो प्रोटीन एक्सप्रेस करेगा. तो मेनली वो प्रोटीन जो एंटीजन की तरह काम करता है, ओके, उस पर्टिकुलर माइक्रोब का. ये फॉर एग्जांपल ये डीएनए है किसका, ये हम एग्जांपल लेंगे जैसे कि रेबीज का डीएनए है, ठीक है, जो रेबीज वायरस है उसका डीएनए है.
और उसको हम क्या करेंगे, उसको इस प्लास्मिड डाल देंगे, फिर प्लास्मिड को हम डालेंगे रिसिपिएंट के मसल सेल्स में। मसल सेल्स में क्या होता है, उस प्लास्मिड के डीएनए से प्रोटीन्स, ठीक है, सिर्फ हार्मफुल नहीं, जो नॉन हार्मफुल प्रोटीन्स है वो फॉर्म होंगे। तो वो प्रोटीन्स एंटीजन की तरह काम करेगा और इस प्रोटीन्स के अगेंस्ट हमारे बॉडी में क्या होगा, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होंगे। क्या होंगे, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होंगे। ओके, सो प्लास्मिड डीएनए, तो मेन लिए जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस होंगे जिसको हम क्या बोलेंगे, एडाप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स, या जिसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम एडाप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स बोलेंगे, या एडाप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स या एक्वायर्ड इम्यून रिस्पॉन्स वहां पे डेवलप होगा, मीन्स इसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज यहाँ पे प्रोड्यूस होंगे। बट हमने वहां पे कौन सा डीएनए डाला, हमने रेबीज का वो डीएनए डाला जो प्रोटीन फॉर्म करेगा, और वो प्रोटीन हार्मफुल नहीं है हमारे बॉडी के लिए, ठीक है, क्या नहीं है हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल नहीं है। तो वो प्रोटीन ही इस वेक्टर के साथ जाके वो प्रोटीन ही एक्सप्रेस होगा जो हार्मफुल नहीं है। तो हार्मफुल नहीं है बट वो प्रोटीन एज ए फॉरेन पार्टिकल तो ट्रीट करेगा, तो इस प्रोटीन के अगेंस्ट एंटीबॉडी प्रोड्यूस होंगे। तो नेक्स्ट टाइम पे अगर रेबीज ही हमारे बॉडी में एंटर होगा, तो उस जैसे ही रेबीज एंटर होगा, एंटीबॉडीज तो ऑलरेडी बने हुए, तो एंटीबॉडीज इस रेबीज वायरस के साथ, जो रेबीज है बैक्टीरिया है उसके साथ, माइक्रोब के साथ बाइंड हो जाएगा और हमारे एंटीबॉडीज उसको डिस्ट्रॉय कर देगा, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, जैसे कि इन्होंने यहाँ पे इन्फ्लुएंजा वैक्सीन लिखा है, या करंटली जो एचआईवी वैक्सीन है वो भी एक टाइप का क्या है, एक टाइप का डीएनए वैक्सीन है। ओके, तो ये हो गया डीएनए वैक्सीन। डीएनए में हम सिंपली डीएनए यूज करते हैं, ओके, ये याद रखना। देन उसके बाद है रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन। तो रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन क्या होते हैं, रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन आर एक्सपेरिमेंटली वैक्सीन सिमिलर टू डीएनए वैक्सीन। तो डीएनए वैक्सीन की तरह ही वो है, ठीक है, सिमिलर टू डीएनए वैक्सीन, बट दे यूज एन एटीन्यूएटेड वायरस और बैक्टीरियम टू इंट्रोड्यूस माइक्रोबियल डीएनए टू सेल्स ऑफ द बॉडी। ओके, तो हमने यहाँ पे प्लास्मिड यूज किया था, बट यहाँ पे हम प्लास्मिड यूज नहीं करते, बल्कि एक माइक्रोबियल डीएनए या एक बैक्टीरियम है, सॉरी, हम एक एटीन्यूएटेड वायरस या बैक्टीरियम यूज करेंगे, एटीन्यूएटेड या जो वीक बैक्टीरिया वायरस है उसको हम यूज करेंगे, ताकि जो माइक्रोबियल डीएनए है उसको बॉडी सेल्स में इंट्रोड्यूस कर सकें। ओके, सो एनी जीन्स इनकोडिंग इम्यूनोजेनिक प्रोटीन कैन बी इंट्रोड्यूस्ड एंड एक्सप्रेस्ड इन वेरियस एक्सप्रेशन सिस्टम लाइक यीस्ट, प्लांट एंड एनिमल यूजिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ओके, तो हम इस रिकॉम्बिनेंट एंटीजन वैक्सीन्स में हम क्या करेंगे, या रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन में हम क्या करेंगे, जो जीन्स मेनली क्या है, जो जीन्स मेनली हार्मफुल है हमारे बॉडी के लिए, देखो ये जीन फॉर एग्जांपल हार्मफुल है हमारे बॉडी के लिए। ओके, तो ये फॉर एग्जांपल इसका पॉलीसेकेराइड है, या कोई प्रोटीन है वायरस का, तो ये जो हार्मफुल रहता है हमारे बॉडी के लिए, उसके लिए जो जीन है, तो डीएनए से बनता होगा प्रोटीन, आपको पता है डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनता है, तो डीएनए से क्या फॉर्म होगा, तो हम पहला पता लगाएंगे कि इन प्रोटीन्स को डीएनए का कौन सा पार्ट या कौन सा जीन एक्सप्रेस करता है, तो हम उस पार्ट को ले लेंगे। ओके, फिर उसके बाद उस पार्ट को हम क्या करेंगे, एक रिकॉम्बिनेंट वेक्टर में हम डाल देंगे, चाहे वो कोई यीस्ट हो या प्लांट हो या कोई एनिमल हो, ठीक है, यूजिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ठीक है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी हम यूज करके उस पर्टिकुलर जीन को, जो मेनली जो इम्यूनो जो एंटीजेंस फॉर्म करते हैं, जो हार्मफुल एंटीजेंस है, हार्मफुल एंटीजेंस वो प्रोड्यूस करते हैं, उन जीन्स को ही हम उसमें डाल देंगे। उसके बाद उसको एक्सप्रेस करेंगे किसमें, यीस्ट या किसी एनिमल में या किसी प्लांट में। ओके,
तो उन एक्सप्रेशन एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं, या जो भी एक्सप्रेशन सिस्टम होगा उसको हम बोलते हैं वेक्टर, ठीक है। तो जो वेक्टर है इट रेफर्स टू ए वायरस और बैक्टीरियम यूज्ड एज अ कैरियर। तो इसका एग्जांपल है दैट इज डीपीटी, या इसको हम बोलेंगे एचआईवी 1 एनवेलप प्रोटीन, या मलेरियल सर्कमस्पोरोजाइट। ओके, तो इसको समझाने के लिए मैं आपको इसे दिखाऊंगा। ये जीन है, ये कौन सा जीन है, ये मेनली वो जीन है जैसे कि एचआईवी 1 प्रोटीन एनवेलप प्रोटीन, एचआईवी 1 एनवेलप प्रोटीन, एचआईवी 1 एचआईवी 1 एनवेलप प्रोटीन, एचआईवी 1 एनवेलप प्रोटीन। तो ये HIV-1 एनवेलप प्रोटीन है, तो इसको हमने एक प्लास्मिड के साथ अटैच कर दिया है। ओके, तो जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्सप्रेशन वेक्टर बोलते हैं, क्या बोलेंगे, एक्सप्रेशन वेक्टर। उसके बाद उस एक्सप्रेशन वेक्टर को हम एक एक्सप्रेशन सिस्टम में डाल देंगे, जैसे कि ये यीस्ट है। ओके, हम यीस्ट में इसको डाल देंगे। ये यीस्ट है, यीस्ट में हमने उस एक्सप्रेशन वेक्टर को डाल दिया। डीएनए वैक्सीन में क्या किया था हमने, डायरेक्टली मसल सेल में डाल दिया था, कोई हमने यहाँ पे एक्सप्रेशन सिस्टम नहीं लिया था। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक्सप्रेशन लेंगे, एक्सप्रेशन सिस्टम लेंगे। तो यीस्ट में क्या होगा, इस डीएनए के, डीएनए से एमआरएनए फॉर्म होगा, उस एमआरएनए से क्या फॉर्म होगा, प्रोटीन फॉर्म होंगे बहुत सारे, ठीक है। मेनली कौन से प्रोटीन फॉर्म होंगे, एचआईवी 1 एनवेलप प्रोटीन, ठीक है। इसमें बहुत सारे प्रोटीन फॉर्म हुए। उसके बाद उस प्रोटीन को हम एक्सट्रैक्ट करेंगे, एक्सट्रैक्ट करने के बाद जिसको हम क्या बोलेंगे, देखो एचआईवी एनवेलप प्रोटीन, इसको एक्सट्रैक्ट किया हमने। एक्सट्रैक्ट करने के बाद उसको हम इंट्रोड्यूस करेंगे किसमें, ह्यूमंस में, इंट्रोड्यूस करेंगे किसमें, ह्यूमंस में। तो ह्यूमंस में जब हम इंट्रोड्यूस करेंगे तो उस एचआईवी एनवेलप प्रोटीन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज डेवलप होंगे। ओके, तो उससे क्या होता है, नेक्स्ट टाइम अगर एचआईवी आपके बॉडी में जो एक्चुअल जो वायरस है वो एंटर होगा, तो ऑलरेडी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हैं, तो एकदम से वो उस वायरस के बॉडी के ऊपर जो एनवेलप प्रोटीन है उसके साथ बाइंड होके वो उस एचआईवी वायरस को क्या कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। ओके, तो यहाँ पे डिफरेंस क्या है, सिर्फ इस एक्सप्रेशन वेक्टर का है, ठीक है। डीएनए वैक्सीन में ऐसा कोई एक्सप्रेशन वेक्टर नहीं था, प्लास्मिड तो हम यूज कर रहे थे बट एक्सप्रेशन वेक्टर यूज नहीं कर रहे थे, या जिसको हम क्या बोलेंगे, सॉरी, एक्सप्रेशन सिस्टम यूज नहीं कर रहे थे। हम डायरेक्टली प्लास्मिड और डीएनए को क्या कर रहे थे, डायरेक्टली हम मसल सेल्स में और ह्यूमंस के मसल सेल्स में इंजेक्ट कर रहे थे। तो मसल सेल्स में ये प्रोटीन एक्सप्रेस कर रहा था, प्रोटीन एक्सप्रेस करने के बाद उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो रहे थे। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, पहले हम यीस्ट या किसी प्लांट सेल में हम इसको इंजेक्ट करेंगे, इंजेक्ट करने के बाद फिर वहां पे इसके प्रोटीन फॉर्म होंगे, फिर प्रोटीन फॉर्म होने के बाद उस प्रोटीन को हम एक्सट्रैक्ट करेंगे, एक्सट्रैक्ट करने के बाद उसको हम इंट्रोड्यूस करेंगे किसमें, ह्यूमंस में, ह्यूमंस में इंट्रोड्यूस करने के बाद उस एंटीजन के अगेंस्ट हमारे बॉडी एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगी और प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स डेवलप होगा। और नेक्स्ट टाइम जब एचआईवी वायरस हमारे बॉडी में एंटर होगा तो एकदम से एंटीबॉडीज उस पर अटैक कर देगा और एचआईवी वायरस को डिस्ट्रॉय कर देगा। तो ये है रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन।